नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर एक बार फिर से बरसने लगा है। कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगाड़ी सरकार ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के संकेत दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। होली के त्योहार से पहले देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, हर जगह कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में कोरोना की इस लहर का सबसे बड़ा शिकार महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में हर नए दिन के साथ कोरोना के मामले नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुधवार को करीब 31,000 मामले रिकॉर्ड हुए थे, तो बीते दिन ये आंकड़ा 35,000 को भी पार कर गया। महाराष्ट्र में गुरुवार को 35,952 केस दर्ज हुए, जबकि राज्य में 111 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी मुंबई सबसे घातक मोड़ से गुजर रही है, जहां एक दिन में 5,504 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 14 लोगों की मौत हुई। ये लगातार दूसरा दिन है जब मुंबई में 5,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण महाराष्ट्र सरकार सकते में है। यही वजह है कि आधा दर्जन से अधिक शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। बीड और नांदेड़ जैसे जिलों में तो एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि कोरोना के मामलों पर सरकार नजर रख रही है। फिलहाल 2 अप्रैल तक हालात देखेंगे। अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके साथ ही नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आने चाहिए। अजीत पवार ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी, जबकि अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्वेशन रखने को कहा गया। अजीत पवार ने कहा कि लोगों को होली पर ध्यान रखना होगा, कोई भी भीड़ ना लगाए, वरना कोरोना का संकट बेकाबू हो सकता है। मुंबई में अब किसी भी मॉल में एंट्री के लिए एंटीजन टेस्ट करना जरूरी होगा। देश भर में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 59,118 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 257 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 35,952 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यहां संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 26,833 हो गई। राज्य में बीते 4 दिनों में संक्रमण के 1,00,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा गुरुवार को संक्रमण के चलते 111 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 53,795 हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,62,635 है। महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के कारण सबसे बुरे हालात हैं। राज्य में पिछले 3 दिन में ही 1,00,000 से अधिक केस सामने आए हैं। बीते दिन भी राज्य में 35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि उससे पहले भी 2 दिन लगातार 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। देश में इस वक्त जितने भी केस आ रहे हैं, उनमें से 60% से अधिक केस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में अभी से ही करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियों को लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ और बीड जिलों में पहले ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।